हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आयुषी रंजना। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन केयर प्रोडक्ट पे डिटेल वीडियो, और मैं उसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वो प्रोडक्ट काफी लंबे समय से यूज कर रही हूँ। तो वो प्रोडक्ट है ये ममाअर्थ का उबडन फेस वॉश, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। ये ट्यूब पैकेजिंग है। लाइक ट्यूब पैकेजिंग में एक चीज होता है, आप इजिली कैरी कर सकते हो, इसमें लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और ये प्रोडक्ट 150 ml है, जिसका प्राइस 375 rupees है। बट अभी आप देख रहे हो ममा अर्थ पे OMG सेल चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री। तो मैंने उस सेल से परचेज किया है, तो लाइक मुझे मानो तो एक तरीके से कह सकते हो 50% ऑफ पे परचेज किया है। और इसमें एक और भी आता है, लाइक 100 ml का अभी तक यूज करते आ रही हूँ, बट 100 ml वाला आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो मैं 150 ml का प्रोडक्ट लिया। और ये फेस वॉश मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। ये फेस वॉश पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और एक चीज बहुत अच्छी लगी, ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप है। लाइक आप ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, आप ऑल स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हो। और ये लाइक उबटन से आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइक थोड़ा सा स्मेल उबटन की तरह करता है। और उबटन हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है उबटन, जो कि आपके फेस पे कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा और डीपली क्लीन करेगा। और डीपली क्लीन करने के बाद एक ग्लो आता है, जो कि मैं जब से यूज कर रही हूँ मुझे ये बहुत, मेरे चेहरे पे बहुत फर्क नजर आया है। और मेरे भाई को भी लाइक टैन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसके टैन वगैरह सब चले गए। लाइक जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह की प्रॉब्लम थी उसके चले गए। मेरे भी जो भी टैन वगैरह हो चुका था, ये जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह थे यहाँ पे, ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन करता है। और ये फेस वॉश सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है, स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। और मेनली ये फेस वॉश टैन रिमूवल के लिए है, क्योंकि इसमें मेंशन है, आगे आप देख सकते हो कि ये टैन को रिमूव करता है। ये मेरा सेकंड ट्यूब है, मैंने एक ट्यूब बिल्कुल खत्म कर चुकी हूँ। मुझे ये फेस वॉश काफी पसंद आया। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये फेस वॉश समर के लिए बेस्ट है, क्योंकि ना जब आप इसे यूज करोगे तो इसमें थोड़ा सा स्क्रब पार्टिकल आपको फील होगा, रफ रफ सा है, लाइक उबटन की फीलिंग आएगी। अभी आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कैसा है, बट हाँ मैं ऐसा कह सकती हूँ थोड़ा स्क्रब टाइप है। तो लाइक मुझे क्या था, टैन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसे यूज किया, मैं इंस्टेंट टैन 1 week के अंदर बिल्कुल खत्म हो गया। जो भी सन डैमेज था वो भी चला गया। तो मैं इसे कंटिन्यू यूज करने लगे। इसमें सैफ्रन वगैरह भी है, जिससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। और लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना उबटन ऐसा नाम था, जो कि नाम के कारण मैं अट्रैक्ट हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्राई किया मेरे स्किन पे बहुत फर्क नजर आया। हाँ, अगर आप विंटर में यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई करेगा, क्योंकि समर में तो स्वेट वगैरह आता है, हमें डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है। बट हमें विंटर में ऐसा फेस वॉश यूज करना चाहिए जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे। ये रिकमेंड करूंगी कि आप विंटर में इसे ना यूज करें, क्योंकि विंटर में हमें अपनी स्किन को ज्यादा मॉइस्चराइज करना चाहिए। लेकिन समर के लिए बेस्ट है, ये ऑल स्किन टाइप है। लाइक सेंसिटिव स्किन भी इसे यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसके आगे पिक्चर भी बने, सेफ्रॉन है, जिंजर है, इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और इसमें काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और मैं आपको अभी, ये न्यू है, अभी आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और ये मेरे फेस पे कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का फेस वॉश है। आप देख सकते हो इसमें हल्का सा पार्टिकल फील होगा, आपको थोड़ा सा पार्टिकल फील होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, बट हाँ थोड़ा सा फाइन पार्टिकल्स है, जो कि आपको टैन को रिमूव करने में, मैं कभी कभी एज ए स्क्रब भी इसे यूज कर लेती हूँ, इतना पसंद आता है। इवन मोस्टली एज ए स्क्रब मैं इसे यूज करती हूँ। और लाइक समर में तो मैं डेली बेसिस पे इसे यूज करती आ रही हूँ, मॉर्निंग टाइम पे डेली यूज करती हूँ। तो मैं आपको ये फेस वॉश अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये मेरे फेस पे कैसे वर्क करता है। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने ये फेस वॉश को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया और 5 मिनट से सर्कुलर मोशन में मसाज किया। मेनली आपको नोज एरिया पे, चिन पे और फोरहेड पे अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि यहीं पे ज्यादा डेड स्किन होते हैं और टैन होते हैं, जो कि आपको इन तीनों एरिया पे बहुत अच्छे से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो मैं वॉश करके आती हूँ।
हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। लाइक मैं हैप्पी हो जाती हूँ जब भी ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से आपकी स्किन में जितने भी ऑयल्स, डर्ट या जो भी डेड स्किन है बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर सकता है। और आप देख रहे हो मेरा स्किन कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है, डीपली क्लीन करता है। अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो, इससे मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और सच बता रही हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना कि आप जब इसे अप्लाई करो आपको खुद फील होगा कि आप नेचुरल चीज़ अपने फेस पे लगा रहे हो। लाइक बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है, उपटन का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श है या बहुत ऐसा एक इरिटेट करेगा सेंसिटिव स्किन को, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है और बहुत फ्रेश सा फील होता है। अब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है। जिसे ब्लैक हेड्स हो रही है, जिसका डल स्किन है, लाइक कहते हैं ना कभी ब्लैक होता जा रहा है या कुछ ऐसा, ऑफिस जा रहे हो बहुत ज़्यादा, धूप में काम कर रहे हो, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी वर्क करे। आपका मूविंग काम है, लाइक ट्रेवलिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप इस फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करो। आपके फेस को बिल्कुल हेल्दी रखेगा और ग्लो ही देगा। थोड़ा सा लाइक अगर आप इसके ऊपर सीरम वगैरह अप्लाई करोगे ना, बहुत अच्छा साइन देगा। लाइक ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हो, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल इशू नहीं आएगा कि आपके फेस पे ये सूट नहीं करेगा। आप देख रहे हो लाइक जो मेरा पहले स्किन का टोन था उससे ज़्यादा ही इन्हेंस कर दिया ये फेस वॉश। तो मैं सच बता रही हूँ, आपकी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और एक सॉफ्ट सा आपकी स्किन को रखेगा, क्योंकि जो भी ब्लैक हेड डेड स्किन होंगे वो आराम से रिमूव करता है ये। और एक चीज़ और, ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। लाइक उसमें केमिकल्स है ही नहीं जो आपकी स्किन को ख़राब करेंगे या कुछ ऐसा होगा कि सूट ना करे, ये वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से ये फेस वॉश परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।